सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, तुहाडा स्वागत है जी साडे चैनल ते। अज असीं आए हां पिंड घड़ूआं जिला मोहाली। इस पिंड दे विच दो इतिहासक स्थान हन, एक सत्तवें पातशाह जी दा, एक नौवें पातशाह जी दा। इस वीडियो च असीं तुहानूं सत्तवें पातशाह जी दे इस अस्थान दे दर्शन कराउंदे हां, ते अगली वीडियो च असीं तुहानूं नौवें पातशाह जी दे अस्थान ते लैके चलांगे। तो जुड़े रहो साडे नाल, आओ पहला मत्था टेकीए। श्री गुरु हर राय साहब जी एक पोह सम्मत 1717 बिक्रमी मुताबक सन 1660 ईस्वी में शाम वेले पिंड घड़ूआं पहुँचे। नगर दियां संगतां ने सतगुरु साहब जी की बहुत सेवा की। 2200 घोड़ सवार फौज गुरु साहब जी के नाल सन। आप जी इत्थे एक गुफा विच रहिंदे सन। फौजां अते संगतां नूं शरदाई की देग तैयार करके छकाई जाती सी। इस करके इस पवित्र अस्थान का नाम गुरद्वारा देगसर साहिब पातशाही सतवीं है। इस अस्थान उत्ते गुरु साहिब जी 9 दिन नाम अमृत की वर्खा करके संगतां नूं निहाल किया। उपरंत आप जी इतों चल के रोपड़ होंदे हुए कीरतपुर साहब पहुँचे। गुरद्वारा श्री देगसर साहिब पातशाही सतवीं और गुरद्वारा श्री अकालगढ़ साहिब पातशाही नौवीं घड़ूआं की प्रबंधक कमेटी एक है। दोनों अस्थान की कार सेवा जथेदार बाबा हरबंस सिंह जी, जथेदार बाबा बचन सिंह जी दिल्ली वाले ने करवाई है। ये एक नाल पुराना खूह है, नाल ही खूह के मंदिर है, मंदिर के नाल ही गुरद्वारा साहब। इधर लंगर हाल बनाया हुआ जी। सो दोस्तों, ये साड़ी अज की वीडियो। इस वीडियो असी थानू सतवें पातशाह जी के स्थान के दर्शन कराए हैं, तो अगली वीडियो के असी नौवें पातशाह जी के स्थान पर लैके चलेंगे। इस पिंड दे विच ही वो गुरद्वारा साहब नौवीं पातशाह अकालगढ़ साहब स्थित है। वो अगली वीडियो तुसी दर्शन करोगे। तद तक लई जुड़े रहो साडे नाल, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिओ जी, ताकि अपना इतिहास होर लोगों तक भी पहुँच सके। तो साढ़े इस चैनल सबसक्राइब जरूर कर दिओ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। नोटिफिकेशन बैल आईकोन वो भी प्रेस कर लिओ जी। मिलते हैं जी अगली वीडियो। धन्यवाद जी सारयां दा, रब राखा।